पूरे देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,90,000 के पार पहुंच गई, जबकि कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,394 हो गई है। तो वहीं कोरोना संक्रमण से अभी तक 91,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं बात अगर महाराष्ट्र की करें तो यहाँ पर कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस अभी तक सामने आए हैं। चलिए इसी खबर पर अधिक बात करने के लिए वन संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। प्रीत, देखिए लगातार जो है आंकड़ा वो बढ़ता जा रहा है देश भर से। इसी बीच आज 1 जून है, अनलॉक 1.0 का आज पहला दिन है, तो क्या सरकार की रणनीति रहेगी कि इन बढ़ते हुए संक्रमणों के बीच में जनता को रियायत भी दी जाए? जी बिल्कुल, अनलॉक 1 की शुरुआत आज से हो चुकी है। काफी रियायतें दी गई हैं। अब ये भी स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया गया है कि रेस्टोरेंट्स को खोल दिया जाए या कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट सेंटर्स हैं जिनको खोल दिया जाए। तमाम जो भी एजुकेशनल अगर सेक्टर को खोला जाता है तो उस पर फीडबैक लिया जाएगा। ये अगले चरण में होगा, लेकिन फिलहाल के लिए काफी रियायतें दी गई हैं 9 बजे से लेकिन 9 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहेगा। हालांकि इस बीच में अनलॉक में आर्थिक मामलों में किस तरीके से तेजी आए इसको लेके एक बैठक बुलाई गई है प्रधानमंत्री निवास पर आज, और उस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा मंत्रिमंडल समिति की ओर से कि किस तरीके से आर्थिक तेजी लाई जाए देश में। लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से मंदी छाई रही उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। अनलॉक के कई चरण आएंगे, पहले चरण की शुरुआत कर दी गई है, उसके 15 दिन के बाद सेकेंड अनलॉक के चरण आएंगे, उसमें एजुकेशनल सेक्टर को खोला जाएगा, थर्ड चरण जो आएगा उसमें इंटरटेनमेंट सेक्टर को खोला जाएगा। तो केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार के साथ पूरा समन्वय बना करके इसको जो है लागू किया जा रहा है। फिर एक और चीज का जिक्र करना चाहूंगी, अभी मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री ने इस पर एक ट्वीट भी किया और कहा कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो बेहद गंभीर है, इससे लड़ने की और व्यक्तिगत रूप से अपनी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ पर हम सबकी है। तो कुछ लोग इसे 5.0 का नाम दे रहे हैं लॉकडाउन का, तो वहीं पर इसे अनलॉक भी कहा जा रहा है। तो आपसे जो समन्वय है जनता में वो किस प्रकार से जागरूकता फिलहाल देखी जा सकती है, क्या आपके शहर का फिलहाल हाल है, लोग कितना जागरूक है वहां पर अभी? देखिए दिल्ली में कहीं ना कहीं दिल्ली बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, दिल्ली और मुंबई दो बड़े शहर हैं जहाँ पे कोरोना से ज्यादा इफेक्टिव है। यही वजह है कि नोएडा जो बॉर्डर है दिल्ली से सटा हुआ उसको सील कर दिया गया है। हालांकि गाजियाबाद और दिल्ली में आवाजाही जो है शुरू है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी है कर्नाटक में ऑनलाइन जिसका उद्घाटन किया, इस मौके पर प्रधानमंत्री की ओर से ये भी कहा गया कि 22 नए एम्स जो है उनकी शुरुआत की जा रही है देश भर में। पिछले 5 सालों में 30,000 से अधिक ऐसे स्टूडेंट्स हुए जिन्होंने MBBS पास आउट किया, तो देश में अब डॉक्टर्स की कमी नहीं है, कोरोना वॉरियर्स की कमी नहीं है, उससे देश लड़ रहा है। आर्थिक नीतियों को दुरुस्त किया जाएगा, जनता में लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है, केवल प्रधानमंत्री की ओर से नहीं राज्य सरकारों की ओर से जिला स्तर पे इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। अनलॉक के चरण एक के बाद एक शुरुआत की जा रही है, आज पहला दिन है। अब ये देखना होगा कि अब लोग कितने घरों से बाहर आते हैं, कितनी जागरूकता के साथ आते हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जीएती 24 घंटों में 8,390 से ज्यादा जो है 392 जो ऐसे मामले हैं वो आ चुके हैं पिछले 24 घंटों में, और 230 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं पिछले 24 घंटों में। तो फिलहाल आंकड़े जरूर बढ़ रहे हैं, अनलॉक किस तरीके से कारगर होगा ये भी देखने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रीत।